Hello friends, welcome to our channel anujindal.in. So in today's video, I am going to discuss the syllabus of accounts in detail for SEBI grade examination. So the notification for SEBI grade examination 2021-22 is about to come. So the objective of today's video is to give you the syllabus in detail so that you can prepare yourself फॉर द एग्जामिनेशन. सो आपको पता होगा कि सेबी के एग्जाम में देर आर सिक्स सब्जेक्ट्स, कॉस्टिंग, कंपनीज एक्ट, कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स, मैनेजमेंट एंड फाइनेंस. तो आज हम कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी के सिलेबस को डिटेल में डिस्कस करेंगे. सो द सिलेबस इज देयर इन द नोटिफिकेशन. इफ यू लुक एट द नोटिफिकेशन ऑफ लास्ट ईयर, द सिलेबस इज गिवन, बट दैट सिलेबस इज नॉट डिटेल्ड. I will discuss the syllabus in detail so that आप Google करके या books में पढ़ के भी self preparation कर पाए. Okay, तो शुरू करते हैं. So this is the syllabus which is given in the last year notification of SEBI examination. Okay, so there are six broad topics given. First is accounting as a financial information system. So as I will discuss, this topic also contains many subtopics. Okay, then accounting standards, so some specific accounting standards you need to study. Then cash flow statement, fund flow statement, financial statement analysis, ratio analysis. Okay, then accounting for share capital, employee stock option buyback, and finally preparation and presentation of final accounts. So now let us discuss these topics one by one. So first is accounting as a financial information system. So इसके अंदर क्या क्या आपको पढ़ना है. सबसे पहले meaning of accounting. Accounting होता क्या है, very basic, very rudimentary. Okay, then functions of accounting. तो functions में आपका identification, recording, classifying, summarizing, communication, ये सब आ जाता है. Then accounting cycle. उसके बाद what is the difference between bookkeeping, accounting and accountancy. ये तीनों बहुत ही important terms हैं और इसमें से आप क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बुककीपिंग, अकाउंटिंग एंड अकाउंटेंसी. एग्जामिनर आपसे इसके बेसिस पे कोई एमसीक्यू पूछ सकता है. देन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग. तो अकाउंटिंग करने का ऑब्जेक्टिव क्या है, तो इसमें कई सारे ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, लाइक एसरटेनिंग फाइनेंशियल पोजिशन, एसरटेनिंग द प्रॉफिटेबिलिटी, राइट. देन हु आर द यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन. सो बेसिकली देर आर टू टाइप्स ऑफ यूजर्स, एक्सटर्नल यूजर्स and internal users. Okay, then financial accounting versus cost accounting versus management accounting. तो ये तीनों अपने आप में ही एक different field of study है. तो आपको basic difference इन तीनों के बीच में पता होना चाहिए कि what is the objective of financial accounting, what is the objective of cost accounting and what is the objective of management accounting. So some basic differences between these three you should know. Then accounting as a financial information system. तो अकाउंटिंग जो है उसको बिजनेस की लैंग्वेज भी कहा जाता है. अकाउंटिंग इज द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस. ओके, देन इसके बाद आता है क्वालिटेटिव करेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन. सो बेसिकली देर आर फोर क्वालिटेटिव करेक्टरिस्टिक्स. देन इंपैक्ट ऑफ बिहेवियरल साइंस ऑन अकाउंटिंग. सो बिहेवियरल साइंस क्या होती है, बेसिकली ये कहती है कि जो मैनेजर्स हैं वो जरूरी नहीं है कि हमेशा रैशनल डिसीजन ले, कई बार वो इरैशनल डिसीजन भी ले सकते हैं. और ये जो डिसीजन मेकिंग होती है ये सब्जेक्टिव होती है, राइट. सो जैसे कि बजटिंग होती है, ऑर्गेनाइजेशन में बजट बनाए जाते हैं, तो बजटिंग में बिहेवियरल साइंस का इंपैक्ट होता है, राइट. सो बिहेवियरल साइंस का अकाउंटिंग के ऊपर क्या इंपैक्ट हो सकता है, ये भी आपको पढ़ना है, राइट. नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, राइट. सो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में आपको पहले उसका कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स पता होने चाहिए. अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स तो आपको पढ़ने ही है, बट यू शुड नो द बेसिक कॉन्सेप्ट्स. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स. अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स किसको कहते हैं. सो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आर बेसिकली यूनिफॉर्म सेट ऑफ प्रिंसिपल्स विच गवर्न एवरी कंपनी. सो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आर मैंडेटरी, दे आर नॉट ऑप्शनल. ओके, दे आर मैंडेटरी. Then what is the need for accounting standards? Why do we need accounting standards? So to ensure comparability, to ensure consistency, we need accounting standards. Then what are the advantages and limitations of
accounting standards. Then next very important topic is IFRS. IFRS किसको बोलते हैं? International Financial Reporting Standards. So basically ये एक accounting standards ही हैं जो कि international accounting standards हैं और world की major countries IFRS को follow करती हैं. कुछ countries GAAP को follow करती हैं, General Accounting Principles को, Generally Acceptable Accounting Principles, but majority of the countries follow IFRS. ओके और IFRS के लिए इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड है IASB. देन देर आर इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड्स. अब इंडिया में जो बोर्ड है वो भी IASB है, लेकिन यहां पे ये इंडियन है और IFRS के केस में वो इंटरनेशनल है. ओके सो IASB जो है इसको ICAI इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया ICAI ने IASB को फॉर्म किया है ताकि वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को फॉर्मुलेट करे और उनमें टाइम टाइम पर चेंजेस करते रहे. ओके तो इंडिया में जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं वो दो टाइप के हैं. एक तो है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, राइट, और अब जो लेटेस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं उनको हम बोलते हैं इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स जो कि IFRS पे बेस्ड है. ओके सो देयर आर टू सेट्स ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स फॉलोड इन इंडिया, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एंड इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स. और सेबी एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स पढ़ने हैं वो हैं डेप्रिसिएशन, इन्वेंट्रीज, रेवेन्यू रिकॉग्निशन, फिक्स्ड एसेट्स, फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शंस और इन्वेस्टमेंट्स. डेप्रिसिएशन पे जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड था उसको स्क्रैप कर दिया गया था, तो अब डेप्रिसिएशन पे कोई सेपरेट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नहीं है. तो अब हम देखते हैं इन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को. तो मैंने आपको बताया इंडिया में दो सेट्स ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, एक तो ओल्ड वाले हैं उनको बोलते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स और जो न्यू स्टैंडर्ड्स हैं वो हैं इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स. ओके सो AS2 जो है वो वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री है, AS9 रेवेन्यू रिकॉग्निशन, AS10 प्लांट प्रॉपर्टी एंड इक्विपमेंट. तो प्लांट प्रॉपर्टी एंड इक्विपमेंट आपके फिक्स्ड एसेट्स के लिए है. ओके अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 11 है इफेक्ट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रेट एंड AS13 इज फॉर अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्टमेंट. And if I talk about Indian AS, so Indian AS 2 is for valuation of inventory, Indian AS 18 is for revenue, Indian AS 16 is for PPE, property, plant and equipment, 21 is for foreign exchange and 40 is for investment property. तो ये सारे accounting standards आपको पढ़ने हैं, क्योंकि exam में आपको old standard से भी पूछा जा सकता है और new standard से भी पूछा जा सकता है. तो आपको old और new के बीच में difference भी पता होना चाहिए. Right now let's proceed. Cash flow statement and fund flow statement. तो सबसे पहले cash flow statement की बात करेंगे. तो cash flow statement जो है उसके advantages क्या क्या हैं और उसकी limitations क्या क्या हैं वो आपको पढ़ना है डिटेल में. Then cash flow statement में तीन type की activities की बात होती है, operating activities, investing activities और financing activities. तो इन तीनों के बीच का difference आपको अच्छे से पता होना चाहिए. देन यू शुड नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कैश इक्विवेलेंट, क्योंकि ये जो टर्म है कैश फ्लो स्टेटमेंट में ये काफी यूज होती है, कैश इक्विवेलेंट. देन यू शुड नो द डिफरेंस बिटवीन फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल कंपनी, फाइनेंशियल वर्सेस नॉन फाइनेंशियल कंपनी. तो ये सारे कॉन्सेप्ट आपको पढ़ने हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट के लिए. उसके बाद आता है फंड फ्लो स्टेटमेंट. ओके तो फंड फ्लो स्टेटमेंट जो है उसमें बात होती है वर्किंग कैपिटल की. वर्किंग कैपिटल क्या होता है? करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज. सो बेसिकली फंड फ्लो स्टेटमेंट में सोर्सेज ऑफ फंड एंड एप्लीकेशन ऑफ फंड इसकी बात होती है. एंड फाइनली आपको पढ़ना है डिफरेंस बिटवीन फंड फ्लो स्टेटमेंट एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट. तो इन दोनों स्टेटमेंट्स के बीच में काफी सारे डिफरेंसेस हैं, वो भी आपको डिटेल में पढ़ना है. राइट नाउ मूविंग ऑन, नेक्स्ट इज फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस एंड रेशियो एनालिसिस. ओके सो रेशियो एनालिसिस जो है वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस का ही पार्ट है. उससे पहले फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होती है ये आपको पता होना चाहिए. बैलेंस शीट, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, कैश फ्लो स्टेटमेंट, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, ये आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट होती है. तो इनके एनालिसिस के लिए हमारे पास कुछ टूल्स हैं. सो बेसिकली वो टूल्स कौन से हैं? कंपैरेटिव स्टेटमेंट, कॉमन साइज स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट और रेशियो एनालिसिस. इसके अलावा
ट्रेंड एनालिसिस भी यूज किया जाता है. ट्रेंड एनालिसिस इज ऑल्सो अ टूल ऑफ कंपेयरिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. ओके, नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस डिस्कस व्हाट इज कंपैरेटिव स्टेटमेंट. सो कंपैरेटिव स्टेटमेंट में क्या होता है, वी कंपेयर द लास्ट ईयर फिगर्स विद द करंट ईयर फिगर्स. ओके, सो फॉर एग्जाम्पल 2020 की फिगर्स को 2021 की फिगर से कंपेयर करेंगे. अब वो बैलेंस शीट के लिए भी हो सकता है और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के लिए भी हो सकता है. ओके, तो हम ये देखेंगे कि व्हाट इज द चेंज फ्रॉम 2020 टू 2021. सो एब्सोल्यूट चेंज ऑल्सो एंड परसेंटेज चेंज ऑल्सो, बोथ टाइप्स ऑफ चेंजेस. देन देयर इज कॉमन साइज स्टेटमेंट. सो कॉमन साइज स्टेटमेंट में क्या होता है, वी टेक अ कॉमन बेस, एक कॉमन बेस ले लेते हैं और बाकी सारे एलिमेंट्स को इस कॉमन बेस का परसेंटेज दिखाते हैं. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस की बात करूं तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस को हम अज्यूम कर लेते हैं 100 और बाकी सारे जो एलिमेंट्स हैं प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट के उसको हम दिखाते हैं एज अ परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू. तो रेवेन्यू को 100% मान लेते हैं और बाकी सारी चीजों को एज अ परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू शो करते हैं. सो दिस इज कॉमन साइज स्टेटमेंट. देन कैश फ्लो स्टेटमेंट हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. उसके बाद आता है रेशियो एनालिसिस. सो इन रेशियो एनालिसिस देर आर फोर कैटेगरीज ऑफ रेशियोज, लिक्विडिटी रेशियो, सॉल्वेंसी रेशियो, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो एंड टर्नओवर रेशियो. तो लिक्विडिटी रेशियो में आपका क्या क्या आता है, क्विक रेशियो एंड करंट रेशियो. ओके, देन सॉल्वेंसी रेशियो में आपका आता है डेट इक्विटी रेशियो, प्रोप्राइटर्स रेशियो एंड इक्विटी रेशियो. इसके अलावा और भी रेशियोज हैं, मैं आपको एग्जाम्पल्स दे रहा हूँ, राइट. प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज में एग्जाम्पल्स हैं नेट प्रॉफिट रेशियो, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, ओके, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो. एंड टर्नओवर रेशियोज में आपके आते हैं एसेट टर्नओवर रेशियो, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो. ओके, सो दीज आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ रेशियोज. सो यू नीड टू रिमेंबर द फॉर्मूलाज ऑफ ऑल द रेशियोज. ओके, यू कैन रीड दीज रेशियोज फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक और यू कैन ऑल्सो रीड फ्रॉम गूगल. ओके, नाउ मूविंग ऑन, अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल ट्रांजेक्शन. सो दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. इसमें बहुत सारे टॉपिक्स आपको कवर करने हैं, राइट. सबसे पहले डिफरेंट काइंड ऑफ शेयर कैपिटल, लाइक ऑथोराइज शेयर कैपिटल, इशूड कैपिटल, ओके, सब्सक्राइब कैपिटल, पेड अप कैपिटल. देन वॉट आर द डिफरेंट करेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ कंपनी, टाइप्स ऑफ कंपनी लाइक प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी, वन पर्सन कंपनी. देन डिफरेंट टाइप्स ऑफ शेयर्स. सो देर आर मेजरली टू टाइप्स ऑफ शेयर्स, इक्विटी एंड प्रेफरेंस शेयर्स. देन टाइप्स ऑफ इशू. सो शेयर्स कैन बी इशूड एट पार और एट प्रीमियम. ओके, वी कैन नॉट इशू शेयर्स एट डिस्काउंट बिकॉज इट इज प्रोहिबिटेड. देन प्राइवेट प्लेसमेंट एंड एम्प्लॉई स्टॉक ऑप्शन प्लान. देन जर्नल एंट्रीज फॉर इशू ऑफ शेयर. सो वॉट आर द डिफरेंट जर्नल एंट्रीज फॉर इशू ऑफ शेयर्स. देन इशू फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश. सो इफ शेयर्स आर इशूड इन काइंड, सो वॉट आर द जर्नल एंट्रीज फॉर दैट. देन फॉर फीचर ऑफ शेयर्स एंड री इशू. सो जर्नल एंट्रीज फॉर फीचर एंड री इशू. सो यू ऑल्सो नीड टू स्टडी द कॉन्सेप्ट ऑफ कैपिटल रिजर्व अंडर फॉर फीचर. ओके, देन इशू ऑफ राइट शेयर्स. सो वॉट आर राइट शेयर्स, राइट शेयर्स आर दो शेयर्स विच आर गिवन टू द एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स एट अ डिस्काउंटेड प्राइस. ओके, सो वॉट आर द बेनिफिट्स एंड वॉट आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ राइट शेयर्स. एंड अनदर कॉन्सेप्ट इज वैल्यू ऑफ राइट. सो देर इज अ फॉर्मूला टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ राइट. सो यू नीड टू रिमेंबर दैट फॉर्मूला एज वेल. And finally, issue of bonus shares. So what are bonus shares? Bonus shares are those shares which are issued to existing shareholders free of cost. Okay. And there are two cases. One case is issue of fully paid up bonus shares. And another is when the company pays the remaining amount on partly paid up shares. Right. Now moving on. Next is employee stock option and buyback of securities. Okay. So what is buyback? Buyback is when the company purchases its own shares from the market. Okay, so what are the objectives? There can be different objectives of buyback. The company may want to reduce the share capital or there can be other objectives. Then what are the terms and conditions? So there are various terms and conditions of buyback, like there is a maximum limit of buyback and there are some other conditions given. Then what are the journal entries
of buyback. Then after that, employee stock option plan. So these are the shares which are given. So the employees of the company are given a right to buy the shares of a company. Okay. And there are various concepts related to ESOP: vesting period, grant date, exercise price, exercise date. So all these concepts you need to study. Then conditions of ESOP. So what are the conditions? And finally, journal entries of ESOP. Now moving on. So this is the final topic: preparation and presentation of company's final accounts. So as I have already told you, there are four or five types of final accounts. So basically, balance sheet, statement of profit and loss, cash flow statement, statement of changes in equity, and notes to accounts. These are the various types of financial statements of a company. So these are the various types. And what are the objectives? There are various objectives, like ascertaining the financial position of the company, or to find out the profitability, right? So there are notes to accounts to balance sheet and profit and loss. So what are notes to accounts? Notes to accounts are basically explanations, or you can say they are annexure to the balance sheet and profit and loss account. And these notes to accounts give the details of the various items which are present in the balance sheet and profit and loss. Okay. Cash flow we have already discussed. And statement of changes in equity. So statement of changes in equity calculates that what is the additional share capital which has been issued, or is if any preference shares have been redeemed, or is there any increase in the reserves and surplus of the company. So all such changes in the shareholders fund are calculated or are shown in the statement of changes in equity, right? And as far as balance sheet and profit and loss are concerned, the format for them is given in Schedule 3 of the Companies Act 2013. So in Schedule 3, the format is given. So if I talk about balance sheet, there are current assets, there are current liabilities, non-current assets and non-current liabilities, right? And then there are, if I talk about profit and loss, so there are revenue from operations, other income, and there are various types of expenses. So you can see the format in Schedule 3, it is given. So friends, I hope you like this video. I have tried to cover all the topics in detail so that you can prepare on your own by studying from Google or studying from various textbooks which are available in the market, right? So all the very best, friends. I will come up with future videos on other subjects like costing and economics, finance, management. Okay, so I will come up with similar videos. So stay tuned, guys. Have a nice day.